ये कहानी काफी दिनों पहले की है, जब फ्रैंकलिन पैदा भी नहीं हुआ था। ये घर फ्रैंकलिन के दादा ने बहुत पहले ही बनवा दिया था, लेकिन इस घर में काफी सारे खुफिया राज भी छिपा हुए थे। पापा, सारा घर तो बन के रेडी हो गया, लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं समझ में आया कि आप इस दरवाजे को क्यों बनवाए अपने घर में, और इसके पीछे क्या है, और बरामदे में दो रूम जो है उसके पीछे क्या है। पापा, बेटे, इसके पीछे मेरी सालों की मेहनत है। ये गेट मेरे जीते जी तो खुल नहीं सकता। बेटा, जब मैं मर जाऊं तो इस गेट को तुम खोल देना। और फिर मेरे पापा और मेरे दादाजी, यानी कि फ्रैंकलिन के दादा और पापा दोनों लोग मिलके एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों लोगों की मौत हो गई। और फिर फ्रैंकलिन के दादाजी और उसके पिताजी दोनों लोग चल बसे। अब बेचारा चौप फिर से अकेला पड़ गया। फिर पैदा हुआ मैं, तहलका भाई। मेरे दादाजी की अधूरी इच्छा और मेरे पापा की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए, क्योंकि गाइस इस गेट को अब मैं खोलूंगा। मेरे पापा जी तो रहे नहीं, और अब इस गेट को खोलने की जिम्मेदारी मेरी। क्यों चौप? हाँ बे, कलुआ खोल लेगा कैसे, ये क्या कर रहा है भाई? अरे इसकी चाबी थोड़ी ना हमारे पास, हो तो पापा जी के साथ स्वर्ग चली गई। अब इसको खोलने का जिम्मा तो बस इस बॉम्ब का है। चलो अभी इधर आ जाओ, इसको जल्दी से खोलते हैं गाइस। अभी दो गेटे और भी है, उनको भी तो खोलना है। अरे कर दिया ब्लास्ट, अभी क्या हुआ है? अरे बाप रे, इतना सारा कचड़ा, अरे इसको कौन साफ करेगा अब? चलो गाइस, लगता है ये गेट खुला नहीं गया। अरे इतना ज़्यादा बॉम्ब यूज़ करने के बाद भी नहीं खुला। अरे खुल गया है, अरे वायर खुल गया है गाइस। अबे सिंचन और चौप, तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों मिलके घर के अंदर वाले गेट को ओपन करने की कोशिश करो, जो हम लोग के रूम के जस्ट बगल में है। वो दोनों रूम को तुम दोनों खोलो और इस घर के अंदर मैं चलता हूँ। लेट्स गो गाइस। अभी चल ही गए हो यार, पूरा बात बोलता भी नहीं है या कलवा। वैसे भी हमारे पास तो चाबी रहने से नहीं तो अभी दोनों गेट को हम लोग कैसे खोले, और ना ही बॉम्ब भी दे के गया ये कलवा। अरे यार चौप, रुको जरा मेरे लिए, मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है यार, ठुसकी बम मार के देखूँ क्या, क्या पता खुल जाए। लेकिन इतना दम कहाँ मेरे ठुसकी में भी। खैर इंतजार करता हूँ कलुए का। अरे गाइस मैं पहुँच तो गया हूँ इस रूम के अंदर, लेकिन इस रूम के सबसे आगे हिस्से में ये क्या दरवाजा लगा हुआ है? अरे अरे ये तो खुलता ही नहीं। अरे यहाँ पे क्या गिरा हुआ है? अरे ये तो एक पेचकस लगता है मेरे को छोटा सा। रुको गाइस, इस गेट का की तो मेरे पास है ही नहीं। अरे ये कौन जा रहा है? अरे ये बुढ़िया कौन थी? ये कौन बुढ़िया थी गाइस? रुको, ये बुढ़िया इस सीक्रेट डोर के अंदर क्या कर रही है? पहले इस गेट को खोलता हूँ। खुली गई हो क्या? अरे खुल जा भाई, तू क्या कर रही है? चल्ली 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 चल्ली, कितना टाइम लग रहा है अभी तो। मेरे को दादाजी का खजाना भी ढूंढना है इस घर के अंदर, जो छिपा के रखा है दादाजी ने। वैसे खजाना तो नहीं कह सकते गाइस, दादाजी के कुछ आविष्कार है इस जगह पे, उसको ढूंढना है मुझे। अरे यहाँ पे एक और गेट। अरे ये कौन, रामदास का लाश यहीं पे पड़ा हुआ है क्या? पता नहीं गाइस, लगता है यहाँ का चपरासी था ये। चलो, अरे अरे ये बुढ़िया का इधर क्या आ रही है? अरे बुढ़िया का शक्ल तो देखो, ये तो डरावना लग रहा है। ये है कौन? अरे गाइस ये तो ग्रेनी जैसी लग रही है मेरे को। लेट्स गो गाइस, मैं भाग जाऊंगा। एक ग्रेनी ने तो पकड़ लिया, अभी क्या करेगी? अरे फिर से उसी गेट के अंदर लाके बंद कर दिया। अभी मेरे को अगर अपने दादाजी का खजाना ढूंढना है गाइस, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा इस ग्रेनी का। ये ग्रेनी इस घर में क्या कर रही है? कहीं मेरे दादाजी ने कोई भूत वूत तो नहीं पकड़ के रखा है इसमें, और यही तो इनका आविष्कार तो नहीं है? पता नहीं गाइस, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अगर दादाजी ने मेरे को चूना लगाया तो कुछ दिनों के अंदर दादाजी के पास तो मैं भी पहुंचूंगा, फिर उससे बदला ही ले लूंगा। इसके अंदर क्या है? ये तो खोपड़ी जैसा, इतना पुराना हो गया है ना, ये भी जंग लग गया है। इधर क्या है? अरे इधर मेट्रो स्टेशन भी बना रखा है दादाजी ने। अरे वाह, यहाँ से सफ़र कौन करता होगा? अरे दूर रहे तू। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो हॉर्न बजा रहा है। अरे भागो भागो यार, ये वो ग्रेनी ना आ जाए वापस से। अरे जल्दी 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 जाके छिप जाता हूँ उसी के अंदर वापस से। अरे अरे ये बुढ़ऊ कौन है? अरे ये क्या, ये ग्रेनी का आशिक भी यहीं पे रहता है? अरे यार इस बार नहीं गलती करूँगा, हर बार मेरे को पकड़ के उस केज में ये लोग बंद कर देते हैं। इधर जरूर आसपास में कोई तो जगह होगी। ये कैसी सी जगह है? मेरे को यहाँ का आविष्कार ढूंढना है मेरे दादाजी का, और यहाँ पे ये लोग भूत पकड़ के रखे। अरे तू दूर रहे भाई, तू अलार्म बजा देता है हर बार। अभी मैं कहाँ पे ढूंढूँ अपने दादाजी का आविष्कार? अभी तक तो कुछ हाथ लगा नहीं है। इधर क्या है? अरे इधर क्या है गाइस? अरे ये तो अच्छा जगह है यार, वह ग्रेनी आएगी तो मैं यहाँ पे छिप जाऊँ। ये कैसा सा लॉकर है? इसको खोलने के लिए चाबी चाहिए, मेरे को कोई चाबी तो है ही नहीं अपने पास। चाबी भी ढूंढते हैं।
ये रामविलास के पास कुछ होगा क्या? छोड़ो, वो तो खुद खोपड़ी बन गया। ये ऊपर वाला गेट, इस बार यहाँ का कुछ ठीक है। ठीक है, ग्रैनी नहीं है, चलो चलो। ग्रैंड पा और ग्रैंड मदर दोनों ही बड़े ही डेंजरस है भाई, इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। लगता है ये दादाजी की पुरानी गर्लफ्रेंड हो गई, जिसे दादाजी ने यहीं पे मार दिया, और ये बूढ़ा उसका बॉयफ्रेंड होगा। अरे 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 नहीं नहीं मैं तो गलत बोल रहा था। अरे अरे यार क्या कर दिया, फिर से अब इस गेट को खोलो। अभी बार बार मेरे को खोलना पड़ता है इस गेट को। वो तो अच्छा है, एक वो चिमटी मैंने रखा हुआ है अभी भी, जो पेचकस जैसा है, मैं उसे खोल लेता हूँ बार बार ही। अभी चलो गेट को खोला, इसको खोलो। अरे मैं कब से इस घर में घूम रहा हूँ, मेरे को अभी तक कुछ भी दादाजी का आविष्कार मिला ही नहीं। इसके अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है। अरे मैं फालतू का घूम रहा हूँ क्या इस घर के अंदर? ये क्या है, ये तो गोलियाँ पड़ी हुई है बंदूक की, ये कौन चलाता होगा? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, अबे कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। अब हम का ढूंढे यहाँ पे? अरे फिर तुम आ गए। अरे तुम चाहते क्या हो यार हमसे? हम जब भी अपने दादाजी का आविष्कार ढूंढने बाहर निकलते हैं, ये दोनों लोग हमें पकड़ के फिर से उसी डर डाल देते हैं। अभी अभी गलती नहीं करूँगा, अभी पहले रामविलास से मिलूँगा, अभी उनके पास भी जरूर कुछ होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे अरे ग्रैनी ने यह क्या कर दिया? अरे यार इस ग्रैनी ने तो उसको बंद कर दिया उस दरवाजे को ही। अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा? ये तो लगता है टॉयलेट है। अभी अभी इधर आता हूँ। अरे मैं उसी जगह पे बार बार घूम रहा हूँ यार, मेरे को कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ये इस दरवाजे के अंदर कुछ है क्या? ये छोटा मोटा दरवाजा क्या मिलेगा इसके अंदर? ये कौन सा टेलीफोन है गाइस? यहाँ पे मेरे को एक और बॉक्स मिला है, वो रखा हूँ मैं। अभी मैं जब इस जगह से बाहर निकलूँगा तो वो दिखाऊँगा मैं तुम लोगों को। एक चीज़ मिला है मेरे को, और अभी इसके अंदर, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कोई जगह। अरे अरे ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी आ रही है, भागो भागो। लेट्स सी गाइस, अभी देखो ग्रैनी इधर तो आओ ज़रा, ये बढ़िया जगह है ग्रैनी से छिपने के लिए। भागो 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 भागो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो फ्रैंकलिन। अभी एक ग्रैनी नीचे घूम रही है, तब तक मैं ऊपर जाके थोड़ा बहुत ढूंढ वगैरह ले लेता हूँ कुछ। अगर मेरे दादाजी का कोई आविष्कार मिल जाए तो उसे लेके फटाफट से इस जगह से भाग जाऊँगा। अभी ऊपर चलते हैं, अभी इस वाले फ्लोर पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। चलो इसके अंदर कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे ग्रैन पा आ गया, ग्रैन पा आ गया गाइस। एक काम करता हूँ, इसके नीचे छिप जाता हूँ, इस बेड के नीचे छिपा हुआ हूँ अभी मैं, बस ये ग्रैन पा चला। अरे अरे बुढ़ऊ किधर ताक रहे हो तुम? अरे यार ये बुढ़ऊ क्या अभी कुछ भी करता है? अभी फिर से ग्रैनी आ रही है। चलो चलो चलो, बस ये ग्रैनी एक बार यहाँ से चली जाए। फिर मेरे को यहाँ से एक चाबी मिली है गाइस, और एक टेलीफोन मिला है पुराना सा, उसके अलावा और कुछ मिला नहीं है। इसे लेके इस जगह से निकलते हैं। दादाजी ने इन भूतों को क्यों पकड़ कर रखा है इस घर के अंदर? और इस घर के अंदर मेरे को अभी तक तो कुछ मिला नहीं, ग्रैनी को शक ना हो जाए। चलो चलो, अभी देख रही थी बुढ़िया बहुत तेज़ दिमाग की है, अभी जा रही है। चलो बुढ़िया गई, अभी ऊपर चलते जल्दी से और कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो बस अभी एक चाबी और एक बॉक्स मिला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया नहीं। अरे बुढ़ऊ तुम फिर से यार, अभी फिर से छिपना पड़ेगा, अभी इन लोगों से बाहर बच के भागना ही पड़ेगा गाइस। अभी मैं कुछ ढूंढ नहीं पाऊँगा यहाँ पे, कभी दोबारा आएंगे ढूंढने के लिए। चलो चलो, अरे बुढ़ऊ किधर देख रहे हो यार तुम? जाओ यहाँ से, जाओ यार जाओ अभी। एक तो ये इसके पास एक गन भी है, जिसे लेकर ये लेफ्ट राइट करते रहता है। चलो गाइस, अभी मैं इस खुफिया दरवाजे से बाहर आ गया। ये देखो मेरे को ये चाबी मिली है और ये टेलीफोन मिला है पुराने ज़माने का ऐसा लगता है। अभी इसका यूज़ क्या होगा? तुम लोगों ने उस दरवाजे को खोला कि नहीं? अरे कहाँ खोला यार, चाबी तो थी नहीं उसकी। अरे यार अभी मेरे को ध्यान आया, ये जो मेरे को चाबी मिली है लगता है इसी दरवाजे की। अरे अभी तो मैं बस दरवाज़ा खोलने ही वाला था, ये कहाँ आ गया मैं? अरे गाइस ये तो कोई बहुत बड़ा सा ये हॉल लगता है, और इस हॉल के अंदर ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? अरे यार लगता है ये गाड़ी मेरे दादाजी मेरे पापा जी को गिफ्ट करना चाहते थे, और आज मैं इस गिफ्ट को लेके जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे दादाजी का प्यारा गिफ्ट है, इसे लेके चलते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के लिए शुक्रिया, आप यहाँ से कहाँ जाना पसंद करेंगे? अरे ये कौन बोले छे? आपकी गाड़ी क्या? तुम बात कर सकते हो क्या?
उसके साथ साथ और भी कुछ कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं किसी भी दीवार के आर पार भी जा सकता हूँ। ये सब आपके दादाजी ने बनाया है मुझे। क्या? अरे दादाजी इतने बड़े साइंटिस्ट थे, ये कहाँ पे आ गया मैं? मैंने आपको टेलीपोर्ट कर दिया है। ये कैसे किया तुमने? ये सब आपके दादाजी ने मेरे अंदर फिट कर दिया है। अरे अभी अभी ये गाड़ी कैसे गायब हो गई? मेरे अंदर इनविजिबिलिटी पावर भी है, बोले तो मिस्टर इंडिया। अब भी आप मुझे कहीं पर भी लेके जाए, आप भी नहीं नजर आएंगे किसी को और मैं भी नहीं। अरे वाह यार, ये तो गाड़ी जबरदस्त है। तो ये काम किया है मेरे दादाजी ने। चलो चलो अभी इसको गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करते हैं, कभी दोबारा यूज़ करेंगे। अब इस टेलीफोन का क्या करें? कॉल लगाए क्या किसी को? अरे लगाओ यार, लगाओ किसी को कॉल। अभी माइकल का नंबर डाला। अरे अभी तो माइकल का नंबर मैंने डाला ही था, ये कॉल तो लगाया नहीं था। ये तो मैं माइकल के घर पे ही आ गया, ये कैसे हो सकता है? ये भी टेलीपोर्टिंग तो नहीं है? अब कलवे, ये तो बड़ा ही मस्त है चीज। अरे हाँ है, ये टेलीपोर्ट करता है क्या? इसमें नंबर डालता हूँ फिर से। इस बार कौन सा नंबर डालूँ? चलो डाल दिया नंबर। OMG guys, अरे मैंने तो बिल्कुल बैंक का नंबर ही डाला था और इसने तो बैंक के अंदर ही मेरे को ले आ दिया। अरे वो यार, ये कितना ज़्यादा OP चीज़ है। ये मेरे दादाजी ने ये सब आविष्कार किया है, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। अभी एक कॉल यहाँ पे वापस से करूँगा और ये सब सोना लेके मैं फिर से अपने घर पे टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। वो यार फिर तो मज़े ही मज़े, मेरे दादाजी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं गाइज। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पापा जी का था सब कुछ, लेकिन अभी ये मेरे को मिल रहा है। चलो यार, थैंक यू गॉड, अभी यह सब आप ही के पास हो रहा है क्योंकि मेरे पापा और दादा दोनों आपके पास है। चलो गाइज यार, वीडियो पसंद आई और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं गाइज दोबारा ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।